रोशन नमस्कार। नमस्कार पुलिस जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया है। वो ये क्या कर रहे थे? सर कुछ कॉन्सेप्ट देख रहा था, दहाई और गठा मिक्स करके कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये दिक्कत मेरे साथ बहुत हो रही है, आप इसका सलूशन ढूंढ दें। किस चीज का सर? बच्चों को, छोटे बच्चे हैं मेरे पास, दूसरी कक्षा में हैं, और उनको दहाई जोड़ घटा में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। मैं तो उनको तरीके भी मैंने बहुत सारे बता दिए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका बताइए मेरे को जिससे बच्चे जल्दी सीख जाएं, खेल खेल के माध्यम से। खेल देखो, बच्चों का सीखने का अपना तरीका होता है, कोई खेल के माध्यम से सीखता है, कोई बोर्ड पे सीखता है, कोई कविता के माध्यम से सीखता है, कोई गानों के माध्यम से सीखता है। तो एक तरीका आज आपको बताएंगे, आप सभी भी प्रदीप जी जैसे लेकर आए हैं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में भी था, और इससे संबंधित कुछ गतिविधि हम करेंगे ताकि बच्चे इसको समझ पाए। कुछ बच्चे तो समझ ही पाएंगे जो उनका तरीका होगा। प्रदीप जी, जी जी सर, तो अभी वैसे तो बच्चों के साथ करने वाली गतिविधि है ये। अच्छा, तो आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ जी, जी। और आप भी साथ में कीजिए, हमें कविता के माध्यम से दहाई के कॉन्सेप्ट को लेंगे, जोड़ और घटा के माध्यम से भी दहाई के कॉन्सेप्ट को लेंगे। सर मैंने आपके गाना भी देखा है, गणित के सूत्र मैथ के आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने दिया है, और बहुत सारा प्यार बहुत सारे साथियों ने उसको दिया है। तो इसी प्रकार से एक और कोशिश है, देखिए हल्की सी, ये दहाई के कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों के अपने पूर्व ज्ञान को लेकर। अच्छा, बच्चे प्रकृति में देखो चिड़िया को देखते हैं, और हम जब छोटे थे तो हमारे पास एक आता था गाना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो उससे हम एक और अनेक का ज्ञान होता था। तो इसी प्रकार हम दहाई का ज्ञान लेंगे, और आप मेरे साथ बोलते रहिए, मैं साथ बोलूंगा। एक एक करके दाना चुगने 10 चिड़िया है छत पर आई, एक एक करके दाना चुगने 10 चिड़िया है छत पर आई। अभी साथ में बोलिए कि एक एक करके दाना चुगने 10 चिड़िया है छत पर आई, चिड़िया हो गई एक दहाई। चिड़िया हो गई एक दहाई, चिड़िया कितनी हो गई? एक दहाई, 10 इकाई एक दहाई, चिड़िया हो गई एक दहाई, 10 इकाई एक दहाई। ठीक है, रोटी बनाई, अम्मा जी ने रोटी बनाई, दो मैंने तीन भैया ने खाई, दो मैंने तीन भैया ने खाई, पांच खा गए पापा जी, पांच खा गए पापा जी, रोटी एक न बचने पाई, रोटी एक न बचने पाई, रोटी खाई एक दहाई, रोटी खाई एक दहाई। यहाँ देखो जोड़ का कॉन्सेप्ट भी है कि दो और तीन पांच, और पांच 10, और 10 वो किसके बराबर हो गया? एक दहाई के बराबर हो गया। ठीक है ना, रोटी खाई एक दहाई, 10 इकाई एक दहाई, 10 इकाई बराबर एक दहाई। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट जो घटा वाला भी हम लेते हैं, बच्चे अब छुट्टियों में कहाँ पे जाते हैं? मामा के घर जाते हैं। बिल्कुल सही बात, मामा के घर बहुत मोस्टली जाते हैं, जाते हैं, और जब मामा जी आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो मामा जी के कॉन्सेप्ट को हम जोड़ते हैं जी। मामा जी जब घर पर आए, मामा जी जब घर पर आए, दर्जन एक जी केले लाए, दर्जन एक जी केले लाए, मामा जी लाते हैं ना केले, हाँ दर्जन एक जी केले लाए, दो छोटी बहना ने खाए, दो छोटी बहना ने खाए, बाकी केले बच गए भाई, बाकी केले बच गए भाई, केले बच गए एक दहाई। ठीक है ना, दो बहना खा गई और उसमें से क्या एक दर्जन का मतलब 12, 12 में से दो खा गए तो बच गए एक दहाई, एक दहाई को हम 10 इकाई। हाँ, केले बच गए एक दहाई, 10 इकाई एक दहाई। ठीक है ना, और बाद में फिर हम चिड़िया के ऊपर लेते हैं कि एक एक करके दाना चुगने 10 चिड़िया है छत पर आई, चिड़िया हो गई एक दहाई, 10 इकाई एक दहाई। तो साथियों एक छोटी सी राइम, छोटी सी पोएम के माध्यम से हम दहाई का कॉन्सेप्ट और जोड़ घटा बच्चे करते हैं पैसों के माध्यम से या और चीजों के माध्यम से भी जोड़ घटा वो कर लेते हैं छोटे बच्चे भी हैं तो आसानी से करवा सकते हैं। और आज इसको खेल खेल में करवाने का उद्देश्य भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि संडे इज
फंडे।